यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजीव ढौंडियाल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कौशल सेठ, और आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। और अब वक्त हो रहा है यूपी के 75 जिलों से 75 खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट न्यूज नए अंदाज में। आगामी आज से ताजमहल और लाल किले पर्यटकों के लिए खुलेगा। ताजमहल के खोले जाने के कारण टूर ऑपरेटर्स ने संक्रमण से बचाव के लिए कई बदलाव किए हैं। हर पर्यटक के आने और जाने के बाद टूरिस्ट कार और बस को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं पर्यटक वाहन में कपड़े की जगह लेदर की सीट कवर का इस्तेमाल किया गया है ताकि बार बार सैनिटाइजेशन में परेशानी ना हो। इसके अलावा चालक और यात्री सीट के बीच पारदर्शी पर्दे लगाए गए हैं। ताजमहल में 5,000 और किले में 2,500 लोगों को प्रवेश की अनुमति है। आज से राजधानी लखनऊ में भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को सार्वजनिक तौर पर दीदार के लिए खोल दिया जाएगा। इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी, संतखंडा आदि में आज से पर्यटक जा सकेंगे और ऐतिहासिक स्थलों का आनंद उठा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना होगा। सरकार ने सभी ऐतिहासिक स्थलों को कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस के अनुसार खोलने की इजाजत दी है। आगरा में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन का फैसला। एमएचए की गाइडलाइन में के सितंबर से खुलने थे सभी धार्मिक स्थल, लेकिन जिले के हालातों को देखते अभी धार्मिक स्थल ना खुलने का प्रशासन ने लिया फैसला। सोशल गैदरिंग में आज से 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, खेल, राजनीतिक और सामूहिक कार्यक्रम करने की अनुमति होगी, लेकिन इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज में नहीं बुलाए जाएंगे छात्र छात्राएं। कोरोना के हालात को देखकर राज्य सरकार का फैसला। हालांकि कल से अधिकतम 50% शिक्षकों को बुला सकेंगे स्कूल कॉलेज। एमएचए की गाइडलाइंस में 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं के छात्र छात्राओं को डाउट क्लियर करने के लिए स्कूल जाने की छूट, लेकिन प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए फिलहाल 30 सितंबर तक। अयोध्या में फिल्मी हस्तियां रामलीला का मंचन करेंगी। ये मंचन विश्व स्तरीय होगा। इसकी तैयारियां 1 अक्टूबर से तेज हो जाएंगी। इस दौरान फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर भी अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि पूजन किया। हरदोई के बिलग्राम में जमीन पर कब्जा दिलाने गई राजस्व विभाग की टीम से लोगों ने जमकर की अभद्रता। दबंगों ने झोपड़ी में आग लगाने के साथ ही टीम से सरकारी कागजात लेकर आग में डाल दिए। जमीन की पैमाइश के दौरान यंगामा। बिजनौर में सोशल मीडिया पर एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 महिलाएं एक महिला को पीटते दिख रही है। दरअसल इन महिलाओं ने एक युवक के साथ इस महिला को होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। हाथरस के सासनी के थाना इलाके में दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। मामूली विवाद में ये बात इतनी बड़ी नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद देखते देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले, पथराव भी हुआ। जालौन में रिहायशी इलाके में निकला अजगर और अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। 9 फीट लंबा अजगर देखकर लोग सहम गए। प्रयागराज के नवाबगंज थाना इलाके में सड़क हादसे के बाद जमकर हुआ बवाल। दोनों हादसे में 2 लोगों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। जाम खुलवाने के लिए पहुंची पुलिस, लेकिन पुलिस पर भी ग्रामीणों का पथराव। जालौन में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों के बीच मारपीट की सीसीटीवी कैद हुई है। गोरखपुर के बांसगांव थाना इलाके में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। इस दौरान खास बात यह रही, दोनों ही पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करते रहे और वीडियो बनाते रहे, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हापुड़ में थाना धोलाना क्षेत्र में एक बार फिर खूनी संघर्ष हुआ। पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ दबंग एक युवक पर लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। कौशाम्बी में सपा नेताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में जमकर किया हंगामा। दरअसल पुलिस ने नवयुवक युवजन सभा के जिलाध्यक्ष को उस वक्त गिरफ्तार किया जब उनके स्वागत में दर्जनों सपाही चौराहे पर पहुंचे थे। फतेहपुर में बिजली कटौती को लेकर किसानों ने पावर हाउस का घेराव कर हंगामा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी पावर हाउस पहुंची थी, जिनके हाथों में लाठी डंडे थे और बिजली कटौती की वजह से किसान फसलों को पानी नहीं दे पा रहे थे। गाजियाबाद में किसान परिवार की महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। आवासीय योजना के विरोध में किसान महिलाओं ने पुलिस कर्मियों को सब्जियां दी। आपको बता दें मधुबन बापूधाम में आवासीय योजना का किसानों ने किया विरोध। अमरोहा में किसानों ने राज्यसभा से पास किए गए कृषि बिल का विरोध किया। इस दौरान किसानों ने बीजेपी नेताओं के विरोध में बोर्ड लगाया, जिस पर लिखा 2022 में नहीं देंगे एक भी एमएलए।
एटा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। दरअसल लावागढ़ इलाके में नियमों की अनदेखी कर किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। पंचायत बुलाने की जानकारी ना तो पुलिस को दी गई, ना ही पंचायत में इकट्ठा लोगों को। मुजफ्फरनगर के तितावदी थाना क्षेत्र के पीपला हेड़ा गांव में एक साथ चार चिताएं जली, जिससे माहौल बेहद गमगीन हो गया। दरअसल सहारनपुर में एक सड़क हादसे में चार भट्टा मजदूरों की मौत हो गई थी। अमेठी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला दरोगा अपने तत्व में आकर रही है। अधिकारियों की मनमानी से परेशान है महिला दरोगा, नौकरी से इस्तीफा देने एसपी के ऑफिस पहुंचे थे। कासगंज के सुन्नीगढ़ी थाने में तैनात एक सिपाही पर शराब सेल्समैन की हत्या का आरोप लगाया। परिजनों ने सिपाही पर हत्या के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। बुलंदशहर में बदमाशों ने लालकुटी आश्रम में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाशों ने वहां पर मौजूद साधु को बेहोश कर लाखों की नकदी और आभूषण पार किए। बता दें कि आरोपियों ने साधु को नशीली चीज खिलाकर बेहोश किया। गोरखपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बाइक सवार मां बेटी को गोली मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल मां बेटी सड़क पर गिर गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां मां को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रेटर नोएडा की दादरी पुलिस ने शेरू हत्याकांड के चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल बरामद की। शेरू हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। रायबरेली में शारदा नहर में दो शवों के मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि अभी तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। संभल पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। बहजोई पुलिस ने पशु तस्कर मोहब्बे अली के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 17 लाख की प्रॉपर्टी जब्त की। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के सामने प्रेम प्रसंग को लेकर हंगामा हो गया। कथित प्रेमी पर करीब 20 से 25 लोगों ने हमला कर दिया। मामला दो वर्गों के बीच होने की जानकारी पर भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। औरैया पुलिस की एक कार्रवाई सवालों के घेरे में। विभाग की किरकिरी से हो रही जमीन को लेकर हुए दो पक्षों के विवाद में पुलिस ने एक ही परिवार पर कार्रवाई की। प्रतापगढ़ में ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार दो होमगार्ड सड़क हादसे का शिकार हो गए। कहडोर कोतवाली में तैनात होमगार्ड की बाइक में पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। अमरोहा की नौगांवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ी। कांग्रेस की एक कमेटी की बैठक में पूर्व सांसद प्रवीण सिंह और विधायक नरेश सैनी पहुंचे। वाराणसी पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राजभर ने कहा कि प्रदेश गुंडा मुक्त नहीं बल्कि गुंडा युक्त होता जा रहा है। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर जमकर बोला हमला। कहा मायावती एक राजनीतिक व्यापारी हैं। हाथरस के नवनियुक्त सपा जिलाध्यक्ष पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सपा जिलाध्यक्ष बनाए गए युवराज सिंह 14 साल पुराने एक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में दोषी पाए गए हैं। पीलीभीत में बिजली की आंख में चौली अब युवाओं की पढ़ाई में बाधा बनी। जिस वक्त छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस का वक्त होता है बिजली कट जाती है। हरदोई में विद्युत विभाग का खेल सामने आया, जिससे किसान और उसका परिवार सदमे में है। किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 65,000 का बिल आ गया, जबकि ना तो किसान के ट्यूबवेल पर खंभा ना तार। लापरवाही के बावजूद किसान की सुनवाई नहीं कर रहे अधिकारी। गोंडा में पति पत्नी और साली के बीच में ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर पत्नी ने बहन संग मिलकर पति की जमकर पिटाई। घरेलू विवाद के बाद झगड़ा हुआ। महाराजगंज की सदर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। इस दौरान वो अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप भी लगा रहा था। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले युवक ने प्रेम विवाह किया था। सिद्धार्थनगर में विद्युत उपकेंद्र पर पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज और हाथापाई का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है उपकेंद्र पर पहुंचे दबंगों ने वहां पर मौजूद जेई से हाथापाई की और गालियां दी। सहारनपुर में देर रात ट्रक और मैजिक गाड़ी की भिड़ंत में चार लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए चारों लोग मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे, जो कि सहारनपुर में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते थे। अयोध्या में नेशनल हाईवे 28 पर हुए भीषण हादसे के बाद से चार लोगों की मौत, जबकि 9 लोग घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बस स्टैंड पर यात्रियों के बैठने की होड़ में दो बसों की दौड़ लग गई, जिससे एक बस सड़क किनारे खड़े डंपर से टकरा गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए। साथ ही हालत गंभीर है। जौनपुर के एक होटल में खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे होटल में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया।
बस्ती में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर रुधौली विधानसभा से बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है और उसमें अठमदा शुगर मिल पर 60 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जे का खुलासा किया है। बहराइच में बाल श्रमिकों को मुक्त कराने के लिए एसपी के निर्देश पर अभियान चलाया गया, जिसके तहत टीमों ने होटल्स और दुकानों पर छापेमारी कर 48 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमेठी में बेखौफ होकर बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब युवक घर की छत पर सो रहा था। गोली युवक के पेट में लगी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। नोएडा पुलिस ने नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी नदीम पर बच्चे को बहला फुसलाकर रेप करने का आरोप। बच्चे की जानकारी के बाद पुलिस ने केस किया दर्ज। कौशाम्बी पुलिस ने 2 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर लूट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान और अवैध असलहे बरामद हुए हैं। कुशीनगर में बीजेपी के नेताओं में अंतर्कलह देखने को मिली। मामला तरिया सुजान थाने में पकड़े गए गोवंश की सुपुर्दगी का है। लिस्ट में नाम नीचे होने पर पूर्व मंडल अध्यक्ष ने दिखाई दबंगई। मंत्री सूर्य प्रताप शाही से शिकायत की धमकी दी। गाजीपुर पहुंचे सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के फिर बिगड़े बोल। ओम प्रकाश ने कहा कि सदन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जमकर नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बस स्टैंड पर यात्रियों को बैठाने की होड़ में 2 बसों में दौड़ लगी, जिसके बाद एक सड़क किनारे डंपर से टकरा गए। यूपी के बहराइच में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल श्रमिकों को मुक्त करने के लिए जिले में अभियान चलाया गया। 7 टीमों का गठन करके होटलों और दुकानदारों पर छापेमारी की गई। बागपत में बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ। बस स्टैंड पर यात्रियों को बिठाने की होड़ लगी, जिसके बाद बसों में दौड़ लगे और सड़क किनारे खड़े एक डंपर से बस टकरा गई, जिसमें 20 लोग घायल हुए। 7 की हालत गंभीर है। पिछली सरकारों में हुए राजकीय निर्माण निगम के कामों में एसआईटी ने गड़बड़ियों का खुलासा किया था, जिसको लेकर पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने कहा यूपी में उपचुनाव से पहले ये सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत सहारनपुर नगर निगम ने साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में सफाई कर्मी, पार्षद और आईएमए के लोगों ने हिस्सा लिया। साइकिल रैली शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। मामला कौशाम्बी थाना इलाके का है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। कानपुर में हाईवे के किनारे खुदा पड़ा गड्ढा कुश्ती का अखाड़ा बन गया। मामूली बात को लेकर युवकों में जमकर मारपीट होने लगी। थाना बर्रा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। आगरा में स्पा सेंटर की आर्ट में जिस फरोशी का मामला सामने आया है। कैटवॉक स्पा सेंटर में वीडियो सामने आया। अनलॉक से पहले ही स्पा सेंटर में लोग दिखाई दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की मृतक छात्रा सुदीक्षा भाटी के परिजनों को 15 लाख का चेक दिया गया। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। सुदीक्षा की बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मेरठ में ऑक्सीजन की भारी खपत को देखते हुए अस्पतालों ने नया रास्ता निकाला। अब अस्पताल खुद अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं। प्लांट में 25 से 50 सिलेंडर गैस रोजाना उत्पादित होंगे। कौशाम्बी जिले में गंगा में नहाने गई 6 लड़कियां गहरे पानी में डूब गई और इसमें 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि 3 लड़कियों को गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ रविवार के दिन भी कार्रवाई की गई। अतीक के चकिया स्थित ऑफिस पर शासन ने कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्तीकरण उसका किया। वाराणसी में लॉकडाउन के बाद संकट मोचन मंदिर खुलते ही भक्त दर्शन करने पहुंचे। मंदिर में 2 शिफ्ट में दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर में एक साथ 10 लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी। कन्नौज में एक हादसे भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार बुजुर्ग पर चढ़ गई। हादसे में ट्रॉली के नीचे दबकर बुजुर्ग की मौके पर ही मौत, जबकि दूसरे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया।
मेरठ आरटीओ विभाग की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। बाइक से जा रहे दंपति को बीच सड़क पर आरटीओ के कर्मचारियों ने हाथ देकर रोका, जिससे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। उन्नाव में गंगा तट पर खुलेआम गांजा की बिक्री का वीडियो सामने आया, जिसमें युवक 120 रुपए की एक पुड़िया बिक्री की बात कहते हुए सुनाई दे रहा है। वीडियो के गंगा घाट कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में दवा व्यापारी की हत्या के बाद अब भोपा थाना क्षेत्र से दहशत जदा परिवार पलायन कर रहे हैं। मोरना इलाके में रहने वाले कई परिवार मजबूर हैं पलायन को। आरोप है कि इलाके के सक्रिय बदमाशों की वजह से व्यापारियों में दहशत बनी हुई है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े चेन लूट का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बाइक सवार बदमाश तमंचे के बल पर चेन स्नैचिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। मऊ में झोला छाप के इलाज से एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सड़क पर जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। बीमार होने पर परिजनों ने बच्चे को एक मेडिकल स्टोर संचालक से इंजेक्शन लगवाया था। नोएडा यमुना प्राधिकरण ने यूपी शासन को पत्र लिखकर बताया फिल्म सिटी के लिए जमीन का ब्यौरा कहां पर। सीईओ अरुण वीर सिंह ने अपर मुख्य सचिव को खत लिखकर नोएडा में व्यावसायिक जमीन और औद्योगिक जमीन का ब्यौरा भेजा। मंडी शुल्क समाप्त करने को लेकर पूरे प्रदेश में मंडी समितियां हड़ताल पर रहेंगी। मंडी समिति की हड़ताल 26 तारीख तक चलेगी। इस दौरान पूरे यूपी की मंडी समितियों में हड़ताल रहेगी। भारतीय किसान यूनियन कृषि विधेयक के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी। मेरठ समेत पूरे प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आज कानपुर जाएंगे यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कुमार केशव। सुबह करीब 9:30 बजे कुमार केशव कानपुर पहुंचेंगे। यहां वो मेट्रो के कामों की समीक्षा के साथ ही कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे टीम 11 के साथ बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश के में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देंगे। साथ ही कई विभागों के अधिकारियों के साथ कार्य प्रगति की जानकारी लेंगे। लखनऊ में सीएम योगी दोपहर 12 बजे उद्योग बंधु के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम की समीक्षा होगी। बैठक के दौरान उद्योग बंधु की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, इस पर संबंधित अधिकारी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में भर्तियों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई बैठक। इस बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे सीएम योगी वाराणसी मंडल की बैठक करेंगे। ये बैठक वाराणसी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जिसमें मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में करेगी प्रदर्शन। इस दौरान सभा कार्यकर्ता कोविड-19 काल में स्वास्थ्य सेवाओं की अनियमितता, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर हर तहसील में करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी भेजा जाएगा।